हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। और आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कि 11-11 नंबर जब भी हमें नज़र आते हैं तो वो हमारे लिए क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहे हैं और हमें क्या बताना चाहते हैं, हमारी कौन सी विशेस पूरी होने वाली है एंड हमें क्या मैसेजेस मिल रहे हैं, उससे हमें क्या गाइडेंस मिल रही है, हमें किस तरह से बताया जा रहा है स्पिरिट गाइड्स के द्वारा कि हमें सतर्क रहना चाहिए, हमारी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं। तो ये सभी नंबर जब भी हमें नज़र आते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होता है। तो आज हम जानेंगे दो पाइल के थ्रू कि आपको ये नंबर क्यों नज़र आ रहे हैं, वो आपको क्या मैसेज दे रहे हैं और क्या बताना चाहती है, आपकी स्पिरिट गाइड आपसे क्या कहना चाहती है। तो यहाँ पे दो पाइल है। फर्स्ट पाइल है रेड कलर क्रिस्टल एंड दूसरी पाइल है पिंक कलर क्रिस्टल। कुछ सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करें और दोनों कलर्स को देखने की कोशिश करें कि जो कलर आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है उसे चूज करें और वो ही पाइल आप देखें। तो स्टार्ट करते हैं पाइल वन से। जिसने भी रेड कलर चूज किया है उनके लिए ये मैसेजेस। पाइल वन जिसने भी चूज किया है रेड कलर, चेक करते हैं पॉइंट वन को। 11-11 नंबर क्या साइन दे रहे हैं, उन्हें क्यों नज़र आते हैं, उनके लिए क्या मैसेजेस है और क्या बदलाव उनकी लाइफ में आने वाला है। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि उनके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। पाइल वन जिसको भी 11-11 नज़र आते हैं उनके लिए क्या मैसेजेस है उनकी स्पिरिट गाइड की तरफ से। ओके सॉरी, द गार्डन एंड द गेट, डू टू स्पिरिट। हम स्पिरिट की ही बात कर रहे हैं और यहाँ पर स्पिरिट ही हमें नजर आ रही है। ओके ये कार्ड्स मैंने, गॉडेस ऑफ द मून, सेवन चक्रा, एक्शन। ओके बहुत सारे कार्ड्स अपने आप आए हैं, देखते हैं। पाइल वन आपके लिए मैसेजेस है कि जब भी आपको 11-11 नंबर नज़र आता है, जब भी आपको ऐसा नंबर कहीं पे भी किसी भी तरह से नज़र आता है तो वो आपको मैसेज देता है कि जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही है अभी करंट में, जो भी सिचुएशन है उसको आप खुद सॉर्ट आउट कर सकते हैं, आप ही के पास सारे रास्ते हैं। आपको थोड़ा करेज दिखाना पड़ेगा, यहाँ आपको थोड़ा सा अपनी हिम्मत बढ़ानी पड़ेगी, थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा। जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे लाइफ में तब तक आप उड़ेंगे नहीं। उड़ना सीखने के लिए पक्षी को भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो कुछ करने के लिए अपनी लाइफ में आपको यहाँ पर अपने रास्ते खुद खोलने होंगे। वो एंजल आपको मैसेज देती है वहाँ पर, आपकी स्पिरिट गाइड आपको मैसेज देती है कि आप बहुत सक्सेसफुल बन सकते हैं, बट थोड़ा सा कदम उठाने की आपको ज़रूरत है। आपको ज़रूरत है डिसीजंस लेने की, आपको ज़रूरत है अपनी लाइफ में अपनी हैप्पीनेस चूज करने की। अगर कोई भी इंसान होता है कई बार ऐसा किसी के भी साथ कि वो बहुत ही, जब भी ऐसी सिचुएशन में होता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो वो पर्सन अपना डिसीजन नहीं ले पाता है, वो अपने हाथ पे हाथ रख के बैठ जाता है और वो सोचता है कि सही समय आएगा तब अपने आप सब ठीक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको 11-11 नंबर दिखने का मैसेज आपको मिल रहा है कि अपने लिए रास्ते खुद बनाएं, अपने दरवाजे खुद खोलें, तभी आपको सही रास्ता नज़र आएगा, तभी आप इस अबंडेंस तक तब पहुंच पाएंगे जब आप चलना स्टार्ट करेंगे। आप जब चलना ही स्टार्ट नहीं करेंगे तो आप वहां तक कैसे पहुंचेंगे। तो पाइल वन जब भी आपको ऐसा कोई नंबर नज़र आता है तो आपको ज़रूरत है कि आप आगे बढ़ें। उस वक्त कोई ऐसा एक्शन कार्ड भी यहाँ पर है तो आप उस वक्त एक्शन लें, जो भी काम आप करना चाहते हैं उसको करें। आप अच्छे समय का इंतज़ार ना करें या फिर किसी का और का इंतज़ार ना करें। आप अपनी हिम्मत से आगे बढ़ेंगे तो आपके सभी दरवाजे खुलेंगे और वो सही रास्ता भी होगा। एंजल आपको ये साइन इसलिए बता रही है कि जो आप कर रहे हो, जिस तरफ आप जा रहे हो, वो आपकी डायरेक्शन बिल्कुल परफेक्ट है, तो
तो आप बढ़ते जाइए, आप रुकिए मत। सेकंड कार्ड है डोर टू स्प्रिट। ये कार्ड भी यही कहता है कि जब भी आपको ये साइन दिखता है मीन्स कुछ ना कुछ लाइफ में चेंजेस आने वाले हैं। आपकी स्प्रिट गाइड खुद आकर आपको ये मैसेज दे रही है कि जो लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं उसको एक्सेप्ट करो। आपकी लाइफ में बहुत खुशियाँ, हैप्पीनेस, अबंडेंस आने वाली है, तो उसको एक्सेप्ट करना सीखो। चेंज जो भी है, अगर कुछ चेंज अगर चाहता है भगवान आपसे, या फिर आपकी डेस्टिनी चाहती है कि कुछ चेंज आपकी लाइफ में आए, आपकी हो सकता है कि आपके काम करने का तरीका चेंज हो जाए, आपकी लव लाइफ चेंज हो जाए, उससे कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन हो जिसमें आपको चेंजेस फील हो, तो उसको एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। थर्ड कार्ड है गॉडेस ऑफ द मून। तो जो भी साइन आपको मिलते हैं वो आपको ये मैसेज देते हैं कि आपकी हीलिंग हो रही है, आपकी इमोशनल हीलिंग भी हो रही है। अगर आप उस वक्त किसी अपनी लव लाइफ में परेशान हैं, ब्रेकअप से परेशान हैं, तो वो जो भी हुआ है वो अच्छे के लिए हुआ है, वो आपको हीलिंग कर रहा है। वो सिचुएशन आपकी लाइफ में इसलिए आई है जिससे कि आप में स्ट्रेंथ आ सके, आप स्ट्रांग बन सके, आप इमोशनली हील हो सके, आपकी हीलिंग हो सके। आपको भगवान सिखा रहा है कि कई बार चुप रहना, चुप रह के और अपनी लाइफ को इमोशनली बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर जब भी आपको ये साइन दिखता है वो दिखाता है कि स्पिरिचुअल बने। स्पिरिचुअल बनने के लिए इसलिए कहा जाता है ताकि आप उस वक्त कोई भी गलत डिसीजन ना लें, आपके मन में किसी के लिए भी बहुत ज़्यादा नफरत ना हो। तो अगर आप स्पिरिचुअल बनेंगे तो अपनी लाइफ में बहुत पीसफुली अपनी लाइफ को जी पाएंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे। इमोशनली भी आप बहुत अच्छे से बैलेंस हो पाएंगे और आगे आपके लिए सभी रास्ते अपने आप ही खुलते जाएंगे। नेक्स्ट कार्ड है पॉसिबिलिटीज़। तो यहाँ पे ये कार्ड ये दिखाता है कि बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ आपके सामने आने वाली है। जब भी 11-11 नंबर, कोई भी एंजल नंबर स्प्रिट गाइड की तरफ से आपको नज़र आता है, तो मतलब आपकी लाइफ में जो आप चाह रहे हो उस वक्त जब आपको नंबर दिखता है गाइस, तब आप देखेंगे कि आपके मन में उस वक्त कौन सी विश चल रही थी। तो आप जब भी आपको नंबर दिखेगा उस वक्त आप देखेंगे कि उस विश को लेकर आपके पास बहुत सारी सिचुएशंस आने वाली है, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ आने वाली है। तो उससे आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आपको समझना है कि जो भी मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ आएगी उसको मैं अच्छे से एक्सेप्ट करूँगा, और जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आएगी उसमें मैं सही डिसीजन लूँगा कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कई बार 11-11 नंबर के साथ फेदर्स भी हमें दिखते हैं, तो वो फेदर्स भी हमें दिखाते हैं कि हमारे ऊपर ब्लेसिंग्स है, हमारे साथ जो भी होने वाला है वो बहुत ही पॉजिटिव होने वाला है, बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं होगा। वो नंबर आपको इसीलिए ही नज़र आए हैं क्योंकि आप रेडी हो जाएं अपनी खुशियों को वेलकम करने के लिए, आप रेडी हो जाएं खुश होने के लिए। तो ये मैसेजेस यहाँ पर आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव हैं। नेक्स्ट है सेवन्थ चक्र आर्कएंजल यूरियल। आर्कएंजल यूरियल हमारे सेवन चक्र को हील करती है जो कि क्राउन चक्र है, अगेन स्पिरिचुअल होने की बात करता है। जब हम किसी अच्छी स्प्रिट से कनेक्ट हो जाते हैं, डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट होते हैं, हम जब हीलिंग करते हैं, अपनी हील हो जाते हैं, तो हमारा क्राउन चक्र ओपन होता है। वायलेट कलर की एनर्जी हमारे अंदर होती है, बहुत स्ट्रांग हमारा ऑरा होता है, बहुत पॉजिटिव होता है। तो ये चक्र ये दिखाता है कि बहुत पॉसिबिलिटीज़ है कुछ अपने अंदर चेंजेस लाने की। तो ये कार्ड चेंज को भी दिखाता है, अगेन 5 नंबर कार्ड है, यहाँ स्पिरिचुअल होना भी नज़र आ रहा है, प्लस यहाँ पर मुझे कोई इन्वेस्टमेंट भी नज़र आता है कि हो सकता है अगर आप उस वक्त जब ये नंबर देखते हैं अपनी लाइफ में आप सोच रहे हैं कुछ इन्वेस्ट करने की, कोई भी पैसा कहीं पर भी, चाहे ज़मीन में हो, चाहे मतलब आप कोई घर लेना चाहते हो या फिर कहीं आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो वो परफेक्ट टाइम है, परफेक्ट जगह है जहां पर आपको कर देना चाहिए। तो ये मैसेज भी आपको यहां पर मिल रहा होता है।
एक्शन कार्ड दिखाता है कि यस अभी आप रेडी हो जाएं, जो स्ट्रगल किया वो हो चुका। अगर कभी कभी हम निराश होते हैं और उसी वक्त जब हमें ये साइन मिल जाता है, जब हमें ये नंबर दिख जाता है, तो इसका मतलब ये है कि अभी स्ट्रगल करने का समय खत्म हो चुका है, अभी सही समय आ चुका है जब आपका स्ट्रगल ओवर हो गया है और आप बहुत जल्दी एक्शन लेने वाले हैं अपने किसी काम को लेकर और आगे बढ़ने वाले हैं अपनी लाइफ में। तो सही समय है जब आप एक्शन लें। प्लस ये यिन यांग का भी साइन यहाँ पर मुझे दिखता है, जो कि दिखाता है कि अगर किसी पार्टनर के साथ आप लाइफ में कनेक्ट हैं तो उसके साथ भी सही समय है कमिटमेंट करने का। मैरिज का भी कार्ड मुझे यहाँ पर दिख रहा है, तो मैरिज का भी सही समय है। मैन होल्डिंग अ हार्ट, ये कार्ड भी यहाँ पर दिखाता है कि अगर आप शादी के लिए सोच रहे हैं, किसी को प्रपोज करना चाहते हैं और उसी वक्त जब आपको ये कार्ड दिखता है तो ये आपको मैसेज दे रहा है कि वो पार्टनर आपके लिए परफेक्ट है, आप उसके साथ कनेक्ट हो सकते हैं, उसके साथ कमिटमेंट कर सकते हैं लाइफ टाइम के लिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। बहुत सारे रोज यहाँ पर है, बहुत लविंग एनर्जी यहाँ पर दिख रही है, तो ये कार्ड यहाँ पर शो करता है कि लव लाइफ में भी कुछ बेहतर होने वाला है। जब भी आपको 11-11 दिखता है, आपकी स्पिरिट गाइड आपको बताती है कि आपकी लव लाइफ में भी बहुत अच्छा होने वाला है, आपकी लव लाइफ अच्छी जाने वाली है। कोई तो है जो आपको दिल से चाहने वाला है, कोई तो है जो आपको अपने दिल में बसा के रखा हुआ है। तो बहुत ही अच्छे मैसेजेस पाइल वन के लिए यहाँ पर आए हैं। जब भी आपको 11-11 नंबर दिखता है तो इनमें से जो भी मैसेज आपके साथ रेजोनेट होते हैं आप उन्हें ले सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि ये मैसेज देखने से आपकी लाइफ में क्या बदलाव आने वाला है, क्या बदलाव आने वाला है पाइल वन की लाइफ में ये मैसेजेस देखने से। क्या बदलाव आने वाला है पाइल वन की लाइफ में थी? कुछ तो बहुत ही न्यू ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, न्यू चेंजेस आ रहे हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड यहाँ पर आए हैं। कुछ एंडिंग यहाँ पर हो रही है, कोई बर्डन हो सकता है आपके ऊपर लाइफ में किसी भी तरह का। अगर आपने बहुत टाइम पहले लोन लिया था तो उस लोन आप चुका सकते हैं, उस बर्डन से फ्री हो सकते हैं। अगर कोई भी रेस्पॉन्सिबिलिटी आप पर थी तो उससे आप मुक्त होने वाले हैं। जब भी आपको ये नंबर दिखता है, आपकी स्पिरिट गाइड आपको मैसेज देती है कि अभी आप बर्डन फ्री होने वाले हैं, अभी आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स थी, जो भी स्ट्रगल्स थे, वो सब ओवर हो गए हैं और अभी आप इस सिचुएशन से बाहर निकल गए हैं। तो जो भी नेगेटिविटी थी, बर्डन थे, ओवर थिंकिंग थी, या आप किसी भी तरह का अपने वर्क प्लेस पे स्ट्रगल कर रहे थे, तो उन सब का एंड निश्चित है। नेक्स्ट कार्ड द क्रिएटर कार्ड यहाँ पर दिखा रहा है कि आप खुद उसके बाद, इस एंड के बाद में आपको, आप अपने एक्सपीरियंस से खुद अपना न्यू काम शुरू कर सकते हैं और नया अपना कुछ भी शुरुआत कर सकते हैं। आप खुद क्रिएट कर सकते हैं कोई भी सिचुएशन अपनी लाइफ में बेस्ट। जो भी प्रॉब्लम्स चल रही थी, जो भी बर्डन्स थे, उन सब से बाहर निकल के आप अपनी लाइफ को एक बेहतर लाइफ बनाने का सही समय है और ये बदलाव आप खुद में देखेंगे। ये काम को भी बहुत अच्छे से दिखाता है कि आप अपने वर्क प्लेस पे बहुत अच्छे से अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को ले सकते हैं, आप सक्सेसफुल बन सकते हैं, आप बहुत प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें दिखाती है कि बहुत ही पेशेंस से, जो भी आपकी हॉबी है, जो भी आपका पेशन है करना, उसमें आप बहुत आगे जा रहे हैं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको उसमें मिलने वाला है।
नेक्स्ट हीलिंग कार्ड यहाँ पर दिखाता है कि कहीं ना कहीं जैसा मैंने बोला लव लाइफ में कोई अपनी लाइफ में सेटल्ड होने वाला है, उसी तरह ये कार्ड भी यहाँ दिखाता है कि कोई तो है जो अपने इमोशंस को बहुत टाइम से कह नहीं पा रहा था, तो वो देखेंगे कि अपने वो उनकी लाइफ में किस तरह बदलाव आता है और वो अपने इमोशंस को बहुत ही आसानी से अपने पार्टनर को कह पाएंगे, उसे बता पाएंगे, उनकी फीलिंग्स जो भी उनके मन में चल रहा है वो उन्हें बोल पाएंगे और डेफिनेटली उनकी हीलिंग अभी यहाँ पर हो रही है। आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप गाइडेंस ले रहे हैं आप खुद समझ पा रहे हैं कैसे मैसेज आपको मिले हैं और क्या लाइफ में एक्चुअल में आपको करना चाहिए। तो यहाँ पे आपको गाइडेंस मिल रही है कि आपकी हीलिंग स्टार्ट होनी शुरू हो जाएगी। 11-11 नंबर दिखने के बाद आप देखेंगे कि आपकी लाइफ पॉजिटिवली चेंज हो रही है, लाइफ में बदलाव आ रहे हैं, लाइफ के साथ ही आपके नेचर में बदलाव आ रहे हैं, आपके काम में बदलाव आ रहे हैं, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन में बदलाव आ रहे हैं, आपके लव लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं। तो ये सभी चेंजेस बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस आपको नज़र आने शुरू हो जाएंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, अपना आपका हार्ट चक्र अगर बैलेंस नहीं है, बहुत जल्दी आप रो भी देते हैं तो बहुत जल्दी कठोर भी हो जाते हैं, अपने इमोशंस को बहुत जल्दी कह नहीं पाते हैं, अगर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है तो वो आप में देखेंगे कि आप आपके नेचर में बहुत चेंज को देखेंगे, आपका नेचर बिल्कुल चेंज हो जाएगा, आप अपनी बात को कह पाएंगे, एक नया ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर मुझे दिख रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड भी यहाँ पर आया है तो वो दिखाता है कि आपको एक न्यू पर्सन आपके अंदर नज़र आने लगेगा। द रिबेल कार्ड यहाँ पर दिखाता है कि अगर किसी भी तरह की आप जॉब कर रहे थे तो अभी सही समय होगा आपके प्रमोशन का, प्लस प्रमोशन के साथ अगर आप अपनी सैलरी को भी अगर इंक्रीज होता हुआ देखना चाह रहे थे तो उसमें भी चांसेस रहेंगे, आपके वर्क प्लेस पे आप बहुत अच्छा काम सेटल्ड कर पाएंगे, जो आप चाह रहे थे बहुत टाइम से किसी प्रोजेक्ट को पाना तो वो भी आपको मिलेगा। यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है कि कोई नए घर में जा रहा है, एक नई शुरुआत कर रहा है अपनी ज़िंदगी की, नई लाइफ की शुरुआत कर रहा है, तो नया घर भी यहाँ पर मुझे बहुत ही नज़र आ रहा है, तो पॉसिबिलिटीज़ है कि नए घर में आप जाएँ, अपनी नई दुनिया बसाएँ, तो नई दुनिया में मैरिज भी यहाँ नज़र आती है, मैरिज नहीं तो कमिटमेंट तो होने ही वाला है, आपको मिलने ही वाला है। तो जब भी ये नंबर देखे आप थैंक्स जरूर कहें कि जिस जो भी मेरी लाइफ में चेंजेस आने वाले हैं उसको बताने के लिए थैंक यू सो मच मेरी स्पिरिट गाइड, और मैं उसे तहे दिल से वेलकम करती हूँ अपनी लाइफ में। तो बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स यहाँ पर आए हैं। एक पोस्टपोनमेंट कार्ड यहाँ पर है जो कि दिखाता है कि आपको, जैसा कि एक्शन कार्ड भी यहाँ पर था और ये कार्ड भी यहाँ मुझे दिखा रहा था कि जो भी पाइल वन यहाँ पर देख रहे हैं, जो भी व्यूअर्स हैं, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो सिर्फ सही समय का ही इंतज़ार करते हैं, वो खुद एक्शन नहीं लेते हैं। तो ये सही बात नहीं है, आप सही समय का इंतज़ार तो करना चाहिए क्योंकि हर चीज़ का एक समय होता है, लेकिन उसके लिए डिसीजन लेना, एक्शन लेना और अपना अपने विल पावर को स्ट्रांग बनाना ये बहुत ज़रूरी होता है। तो जैसे ही आपका विल पावर स्ट्रांग होगा, जैसे ही आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, आप आगे बढ़ेंगे, एक्शन लेंगे, तो आप देखेंगे कि आप अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल बन रहे हैं। तो यहाँ ये कार्ड मुझे दिखाता है कि जो भी पुराना आपके साथ आपने स्ट्रगल किया है उससे एक लेसन ले और अभी आगे प्रेजेंट और प्रेजेंट के बाद फ्यूचर के लिए एक्शन लेना स्टार्ट करें, तो आप अपनी लाइफ में बहुत बेहतर होता हुआ देख पाएंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे कि एंजल आपको क्या मैसेजेस यहाँ देना चाहती है। एंजल गाइडेंस फॉर पाइल वन, एंजल गाइडेंस फॉर पाइल वन, यू आर अ पावरफुल लाइट वर्कर, हार्ट चक्र, या मैं देख पा रही हूँ कि हार्ट चक्र ओपन हो रहा है, हार्ट चक्र
इस कार्ड से भी दिख रहा था कि कोई तो है जो अपने दिल के सभी राज खोलने वाला है यहाँ पर। तो डेफिनेटली ये कार्ड ये मैसेज दे रहा है कि जब भी आपको 11-11 नंबर दिखता है तो सही समय है अपने पार्टनर को अपने दिल की बात कहने का, और सही समय है अपनी अपनी लाइफ में न्यू लव को रिसीव करने का और देने का। तो बी ओपन टू गिविंग एंड रिसीविंग लव। अभी आपको एक कॉन्फिडेंस के साथ आपको अपनी एक न्यू लाइफ शुरू करनी चाहिए। यहाँ पे एंजल भी आपको यही मैसेज दे रही है, आपके ऊपर स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स है वो बताना चाहते हैं। तभी ऐसे नंबर पाइल वन ऐसे नंबर तभी हमें नज़र आते हैं जब हमारे ऊपर कोई डिवाइन एनर्जी की ब्लेसिंग्स होती है, हमारी स्पिरिट गाइड्स हमें हमें कुछ इंट्यूटिव मैसेजेस देती है, तभी हम ये सब देख पाते हैं। तो डेफिनेटली आपके ऊपर बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स हैं और उसके लिए आपको शुक्रिया होना चाहिए। इफ़ यू गेट नर्वस फोकस ऑन सर्विस, ये कार्ड भी आपको दिखा रहे थे कि थोड़ा सा नर्वस आप हैं, कॉन्फिडेंस की थोड़ी कमी है, तो जब भी ऐसा हो आप सिर्फ ये देखें कि जो आप काम कर रहे हैं वो बेस्ट है, सही होगा जब जब आप अपने अच्छे इंटेंशन के साथ कोई भी काम करेंगे। तो अपने इंटेंशंस को प्योर करने की कोशिश करें, बाकी आप भगवान पे छोड़ दें। हाउ कैन आई मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस एंड द लॉ ऑफ अट्रैक्शन विल ऑटोमेटिकली टेक केयर ऑफ योर नीड्स। यस, आपको सिर्फ अपना बेस्ट देना है, आपको अपने इंटेंशंस अच्छे रखने हैं, बाकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको ऑटोमेटिकली आपकी जो भी जरूरतें हैं उसको पूरी करने ही वाला है। गॉडेस कार्ड यहाँ पर दिखाता है कि इट्स मैजिकल इंट्यूशन एंड नर्चरिंग क्वालिटीज, एक्सप्रेस योर डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी। ओके, अपनी फेमिनाइन एनर्जी को पावरफुल बनाएं। जैसा कि फेमिनाइन एनर्जी कहती है कि वो थोड़ी इमोशनल भी है, वो बहुत लविंग है, केयरिंग है, तो अपनी इस एनर्जी को आपको पावरफुल बनाना चाहिए। जैसा मैंने बोला कि आप बहुत जल्दी अपने इमोशंस को नहीं बताते हैं, जबकि फेमिनाइन एनर्जी अपने इमोशंस को बताती है, तो आपको थोड़ी अपनी फेमिनाइन एनर्जी को इम्प्रूव करना चाहिए। एंजल आपको यही मैसेज यहाँ पर दे रही है, बहुत ज़्यादा आपको अपने ऐसा रूड नहीं होना है, अपने आप को कठोर नहीं करना है, क्योंकि मस्कुलाइन एनर्जी अगर आपकी लाइफ में ज़्यादा है तो आप बहुत ही रूड हो सकते हैं, आप बहुत अपने आप को पावरफुल समझ सकते हैं, आपको लगेगा कि मुझे किसी इमोशंस की ज़रूरत नहीं है, कठोरपन जिसे कहते हैं वो यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर स्पिरिट गाइड आपको मैसेज दे रही है कि थोड़ा सा अपनी फेमिनाइन एनर्जी को बढ़ाएं, बैलेंस करें, जिससे कि आप अपनी लाइफ में सब चीज़ों को बैलेंस कर सकें। तो पाइल वन ये थी आपकी रीडिंग, आपको रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप मुझसे पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हैं, उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे नंबर दिए हैं, तो उसमें आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लेंगे पाइल टू। पाइल टू जिसने भी पिंक कलर स्टोन चूज किया है उनके लिए मैसेजेस देखते हैं। पाइल टू जिसने भी पिंक कलर चूज किया है उन्हें 11-11 नंबर क्या मैसेज दे रहे हैं। वाओ, डोर टू वैल्यू, वाओ, कॉर्नुकोपिया, 11-11 नंबर, अगेन यहाँ पे 11 नंबर है। थर्ड चक्र, एंजल ऑफ लव, स्ट्रॉन्ग वार्निंग, ड्यू टू रोमांस, द थिंकिंग वुमन। ओके, पाइल टू जिसने भी चूज की है 11-11 नंबर जब भी आपको नज़र आते हैं, मुझे यहाँ पर बहुत ही स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि उनको इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। हो सकता है कि वो लोग पैसे बहुत ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, उनके पास इन्वेस्टमेंट कम है, और ये कहूँ कि लाइफ में वो चाहते हैं कि हम बहुत अंदर से, मतलब कहते हैं ना कि स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी, फाइनेंशियली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, और सब चीज़ें मतलब खर्चा करना, या फिर ये कहूँ कि
पैसों को बिना सोचे समझे कहीं पे भी खर्च कर देना। तो ये सब तब अच्छा लगता है जब आप फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग हो। तो यहाँ पर आपको 11-11 नंबर ये मैसेज दे रहा है कि जो भी पैसा आपके पास है उसको इन्वेस्ट करने की आपको बहुत ज़रूरत है। स्ट्रांग वार्निंग कार्ड भी यहाँ पर है, तो वो दिखाता है कि आपको आगे की सोचना ज़रूरी है, अपनी फ्यूचर प्लानिंग्स करना बहुत ज़रूरी है। हमें नहीं पता कि कब कैसा समय आने वाला है, कब कैसा समय आ सकता है। तो ये जो नए दिन की शुरुआत जो आप करें, जब भी आप करें, तो वो आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स लेकर आए, फ्रूटफुल हो और आपको आपके इन्वेस्टमेंट से अच्छे प्रॉफिट्स मिलें। तो उसके लिए पैसों को इन्वेस्ट करें कहीं ना कहीं, कैसे भी। आप प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, आप प्रॉपर्टी ले सकते हैं, आप अपने FD करवा सकते हैं, आप गोल्ड ले सकते हैं, क्योंकि ये कार्ड बहुत स्ट्रांगली गोल्ड को भी दिखाता है। तो गोल्ड आप ले सकते हैं, आप अच्छी जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो स्ट्रांग बने, फाइनेंशियली स्ट्रांग बनने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आपको हो सकता है फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम आए तो आपको यहाँ पर डेफिनेटली सपोर्ट मिलेगा आपके इन्वेस्टमेंट से। तो यहाँ ये कार्ड मुझे स्ट्रांगली दिखा रहा है कि आपको इन्वेस्टमेंट करना है, पैसों की वैल्यू करनी है, एक स्टेबिलिटी लाइफ में लानी बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास घर नहीं है तो आपको घर लेने के बारे में सोचना चाहिए। अगर आपके पास शॉप नहीं है तो शॉप लेने के बारे में सोचना चाहिए। कहीं ना कहीं अच्छी प्रॉपर्टी में, अच्छी जगह आपको पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। ये कार्ड यहाँ पर दिखाता है कि अबंडेंस आपकी लाइफ में आ रही है। आप अगर आपने कोई गोल्ड खरीदा है तो उसका आपको बहुत प्रॉफिट मिलने वाला है। अगर पहले लिया हुआ है तो हो सकता है कि कुछ न्यू और आप खरीदने वाले हैं। 11-11 नंबर जब भी आपको दिखता है तो ये साइन देता है कि कुछ अच्छा प्रॉफिट आपको मिलने वाला है किसी भी तरह से। बस उसको इन्वेस्ट करें, खर्च ना करें। थर्ड चक्र यहाँ पे मणिपुर चक्र की ही बात करता है, जो कि अगेन पैसों के लिए बताता है, पैसों के बारे में बताता है। तो फिर से ये कहता है कि आपकी लाइफ में नेम, फेम, सक्सेस सब आने वाली है। अगर आप किसी सोशल लाइफ से जुड़े हैं तो डेफिनेटली आपको एक अच्छा पद मिलने वाला है, एक अच्छी आपको प्लेस मिलने वाली है। ये कार्ड भी यहाँ पर दिखाता है कि आपकी वो अगर स्किन से रिलेटेड कोई भी इशू है तो आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, प्लस आपको अपनी हीलिंग करनी चाहिए। आप किसी भी तरह से अपनी हीलिंग करके और आप अपने इश्यूज को क्लीन कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। यहाँ 10 नंबर बहुत दिखा रहा है, तो कुछ ऐसी एंडिंग हो सकती है जो लाइफ में आई थी और चली जाने वाली है। हो सकता है किसी भी प्रॉब्लम में आप फंसे हुए थे तो वो भी बहुत जल्दी आप उससे निकलने वाले हैं। ये कार्ड आपको मैसेज देता है कि उसका एंडिंग हो चुका है। अगर किसी प्रॉब्लम में अभी आप हैं और आपको 11-11 नंबर नजर आता है, मतलब ये है कि उस पे अगर आप पैसे खर्च करें उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने में, तो डेफिनेटली आप बाहर निकल सकते हैं। थोड़ा सा उस पे खर्च करके आप उस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं। अगर आपको ये मैसेज मिल रहे हैं, मीन्स डेफिनेटली आपकी स्पिरिट गाइड आपको देना चाहती है ये सभी मैसेज, इसलिए आपको ऐसा मिल रहे हैं। अगर मैं आपके वर्क प्लेस पे देखूँ तो आपको अच्छी जॉब का ऑफर आ सकता है। जब भी आपको 11-11 दिखता है, आपका प्रमोशन हो सकता है। और यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि एक फेम मुझे बहुत नजर आ रही है, किसी भी तरह की फेम आपको मिल सकती है। आपके वर्क प्लेस पे मिल सकती है, सोशल लाइफ में मिल सकती है, या फिर हो सकता है कुछ चेंज आपकी लाइफ में आए। चेंज इट मीन्स यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है, अगर कोई दूर दूसरे देश में जाकर, दूसरी कंट्री में जाकर अगर कोई काम करना चाहता था तो वो भी सक्सेसफुल रहने वाला है, वो भी वहाँ पर जाकर वो काम कर सकते हैं। द थिंकिंग वुमेन, द थिंकिंग वुमन मुझे यहाँ पर दिखा रही है कि अभी जो भी आपने अपनी नॉलेज ली है, अपने एक्सपीरियंस लिए हैं अपनी लाइफ से, अब उन्हें सही यूज़ करने का समय आ गया है। आपको एंजल ये मैसेज भी दे रही होती है। 11-11 नंबर दिखाता है कि बस अभी हो गया सभी स्ट्रगल, अभी आगे बढ़ने का समय है। यहाँ बटरफ्लाईज बहुत मुझे नज़र आ रही है इन सब कार्ड्स में, तो ये भी शो करता है कि हो सकता है आपको बटरफ्लाईज बहुत नज़र आती हो, कलरफुल बटरफ्लाईज नज़र आती हो।
जब भी आप बाहर निकलते हैं आपको ऐसी बटरफ्लाई नजर आती है, तो वो ये आपको मैसेज दे रही है कि अब उड़ना शुरू करें, अभी सही समय है जब आप अपनी लाइफ में अपने करियर को बना सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, एक सही डायरेक्शन दे सकते हैं, अच्छी जॉब में जा सकते हैं, अच्छे वर्क प्लेस अपना अच्छा काम कर सकते हैं। तो ये सब आपको एक अच्छा मैसेज यहाँ पर दे रहे हैं। लव लाइफ के लिए अगर मैं ये कार्ड से मैसेज लेती हूँ तो दिखता है डॉ टू रोमांस और एंजल ऑफ लव। तो ये दोनों कार्ड यहाँ दिखाता है कि एक नया लव आपकी लाइफ में डेफिनेटली आने वाला है, कुछ न्यू लव लाइफ में आने ही वाला है, जो कि बहुत ही आप बहुत ही लविंग होगा, केयरिंग होगा वो पर्सन, बहुत ज़्यादा आपको प्यार देने वाला है। तो ऐसा प्यार कुछ नया, मैं ये नहीं कहूँगी कि जो पुराना है वो, बट एंजल ऑफ लव ये नया लव की बात कर रहा है। तो कुछ नए रास्ते खुलने वाले हैं, अगर बहुत टाइम से शादी नहीं हो रही थी तो वो प्रपोजल आपके पास आने वाले हैं, नई शादी सॉरी नए रिश्ते आपके लिए आने वाले हैं, और डेफिनेटली वो आपको कमिटमेंट देकर जाएंगे, आपका रोका हो सकता है यहाँ पर। नेक्स्ट हम देखते हैं ये सब मैसेजेस मिल रहे हैं, प्लस क्या लाइफ में बदलाव आने वाला है, क्या बदलाव लाइफ में आने वाला है। सॉरो क्लिंग टू द पास्ट, इनोसेंस एंड इंटीग्रेशन। ओके, इन कार्ड से मुझे पहले भी ऐसी एनर्जी आ रही थी कि कुछ अपने फ्यूचर के बारे में सोचने की आपको बहुत ज़रूरत है। आपको साइन मिल रहे हैं, आपको बटरफ्लाईज दिख रही है, मींस वो आपको आगाह कर रहे हैं कि कुछ अपने फ्यूचर के बारे में प्लान्स करें, कुछ अपने फ्यूचर के बारे में भी सोचें। लाइफ ऐसा नहीं है कि सिर्फ खुश रहना, इंजॉय करना, ये सब नहीं है, अपनी फ्यूचर प्लानिंग करके चलें। तो यहाँ पर ये कार्ड दिखाता है कि बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग ना करें, ओवरलोड ना लें, अपने वर्क पे भी ओवरलोड ना लें, और बेटर है कि सही डिसीजंस आप लें, सही काम करें, सही इन्वेस्टमेंट करें, अपने प्रॉफिट का सही यूटिलाइज करें। तो ये सब जब आप करेंगे तो डेफिनेटली आपका ये जो दुख है वो यहाँ पर नहीं रहेगा, इसमें डेफिनेटली बदलाव आ सकता है अगर आप चाहें। बहुत एक्सपीरियंस आपने अगर लाइफ में लिया है, बहुत स्ट्रगल अगर आपने देखा है, तो डेफिनेटली अब आपका सही समय है जब आपको चीज़ें मिलने वाली है। ये कार्ड मुझे यहाँ दिखाता है आप किसी अच्छे पर्सन के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, किसी पार्टनरशिप में भी आप काम कर सकते हैं, कोई न्यू अपॉर्चुनिटी जो बहुत टाइम से आप वेट कर रहे थे, अगर फॉरेन रिलेटेड कुछ भी यहाँ पर है तो वो आपको मिलने ही वाली है। स्ट्रेस कार्ड यहाँ पर दिखाता है कि बहुत जब हम थोड़ा आगे बढ़ने लगते हैं तो कई लोग ऐसे होते हैं हमारे आसपास के जो हमसे खुश नहीं होते हैं, कई बार हम देखते हैं, तो उस समय आपको बहुत ही अपने अंदर कहूँगी कि पेशेंस लाना है, आपको बहुत ज़्यादा उस बारे में नहीं सोचना है और अपने काम पे फोकस करना है। डेफिनेटली ये कार्ड्स आपको आगे बढ़ता हुआ दिखा रहे हैं, आप आगे बढ़ने वाले हैं। इनोसेंस कार्ड यहाँ दिखाता है कि आपके अंदर आपकी लाइफ में आपको अपने नेचर में पेशेंस लाने की ज़रूरत है, एक अपने इनर चाइल्ड को हील करने की ज़रूरत है। आप यहाँ पर बहुत मुझे यहाँ दिख रहे हैं कि बहुत पिछली बातों को लेकर बैठे हुए हैं, फिर पास्ट में मेरे साथ ऐसा हुआ था, पास्ट में मेरे से ये गलती हो गई, या पास्ट में किसी ने मेरे साथ ऐसा किया। तो अभी सही समय है जब आप उन सभी बातों से बाहर निकलें, जब आप उन सभी चीज़ों को भूल जाएं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, तो ये परफेक्ट समय है। और उस वक्त जब आप इन सब बातों को भूलेंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, तो आपके अंदर बदलाव आ सकते हैं, आपके अंदर ये चेंजेस आ सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि मुझे अपना पास्ट भूलकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है।
आप में पेशेंस आ सकता है, आप बहुत ही पीसफुली आप सिचुएशंस को हैंडल करने लगेंगे, एक मैच्योर पर्सन आप बनने वाले हैं और अपने काम में भी आप सक्सेसफुल बनने वाले हैं। एक अच्छे काम प्रोजेक्ट से आप जुड़ सकते हैं, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ आप जुड़ सकते हैं। इंटीग्रेशन कार्ड यहाँ पर दिखाता है कि यस, जैसा मैंने रोमांस की बात यहाँ पर करी थी कि लव लाइफ में कोई नया प्यार जो कि आपका रियल सॉलमेट है, उससे आप 100% कनेक्ट होने वाले हैं। आपकी शादी भी हो सकती है, वो आपका एक सॉलमेट कनेक्शन होगा जो आपको के साथ आपको लगेगा कि यस, यही मेरा फ्यूचर परफेक्ट पार्टनर है। तो ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। तो डेफिनेटली आपको एक अच्छे प्यार के साथ ये कनेक्ट करने वाला है समय जो आने वाला है। 11-11 नंबर जब भी आपको दिखता है, ये आपको साइन दे रहा है कि आप आगे बढ़ने वाले हैं, फ्यूचर प्लान्स कर सकते हैं, दूसरी कंट्री में आप जा सकते हैं, अच्छी जॉब जो आप कब से सोच रहे थे वो आपको मिल सकती है। स्ट्रेस लेवल थोड़ा सा रह सकता है क्योंकि जब हम आगे बढ़ते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी उतनी बढ़ जाती है। पिछली चीज़ों को भूल कर आप आगे बढ़ेंगे, डेफिनेटली ये दुख से आप बाहर निकल सकते हैं, प्लस आपकी लाइफ में पीस पेशेंस आ सकता है एंड एक नया प्यार आपसे जुड़ने वाला है। नेक्स्ट हम देखेंगे एंजल आपको यहाँ पे क्या मैसेज दे रहे हैं। एंजल मैसेजेस फॉर फाइल टू, विजुलाइज सक्सेस। वाओ, ये दुख से बाहर निकलने का सबसे अच्छा तरीका एंजल ने दिखाया कि विजुलाइज करें। गाइस, विजुलाइजेशन करने से हम वो सभी मैनिफेस्ट कर सकते हैं जो हम लाइफ में चाहते हैं। तो मैनिफेस्ट करें अपनी सक्सेस को। उसके लिए आपको सिर्फ 2 मिनट बैठ के देखना है कि आप अपने आप को अपने किस गोल को अचीव करना चाहते हैं, आप अपने आप को किस जगह देखना चाहते हैं। जब आप डेली ये 21 डेज करेंगे, डेफिनेटली आप मैनिफेस्ट कर लेंगे अपनी विश को। नेक्स्ट है लिसन टू योर इंट्यूटिव फीलिंग्स। यस, आपको जब एंजल स्पिरिचुअल आपकी स्पिरिट गाइड्स आपको जब ये मैसेज दे रही है तो डेफिनेटली आपको इन अपने आप पे विश्वास रखना चाहिए कि यस, ये मैसेजेस मेरे लिए ही है और उन्हीं को ही आपको फॉलो करना चाहिए। शील्ड योर सेल्फ। यस, जैसा कि ये स्ट्रेस कार्ड दिखा रहा था कि आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, आपके आसपास के लोग आपसे बहुत ज़्यादा खुश नहीं होंगे, ज्वेलस होंगे या फिर आपको पिंच करेंगे, आपको कुछ भी कह सकते हैं जो आपको अच्छा नहीं लगे, तो उन सब चीज़ों से अपने आप को प्रोटेक्ट करने की आपको ज़रूरत है। आपको किसी तरह का मन में डर नहीं आए, आपको कोई भी बात आपके मन में आपको नेगेटिव ना बनाए, तो उसके लिए अपने आप को प्रोटेक्ट रखें, अपनी स्पिरिट गाइड से कहें कि वो आपको स्ट्रांग प्रोटेक्शन दे। प्लस जब भी ऐसा कुछ हो तो आपको समझना चाहिए कि ये सब बातें मुझे स्ट्रांग बनाने के लिए मेरी लाइफ में आई हैं, उन्हें थैंक्स कहें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, मूव ऑन करें। इमोशनल सेंसिटिविटी एंड पास्ट लाइफ इश्यूज। जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि हो सकता है जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं वो अपनी पिछली बातों को भूलकर उन्हें आगे बढ़ना चाहिए, तो ये कार्ड भी यहाँ दिखाता है कि अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो अपनी स्पिरिट गाइड को अभी इसी समय 2 मिनट आंखें बंद करना और उसके बाद अपनी स्पिरिट गाइड को कॉल करें और बोलें कि जो भी मेरी पिछली पुरानी यादें हैं जिनसे मैं बाहर निकलना चाहता हूँ या चाहती हूँ, उनसे मैं वो उन्हें सब उन सबको मैं अपनी लाइफ से रिलीज़ कर दूँ, हील हो जाऊँ और कुछ उनसे लर्न करके और अपनी लाइफ में मैं आगे बढ़ूँ। तो जैसा ही आप ऐसा कहेंगे आपकी हीलिंग स्टार्ट होगी और आप अपने आप को हील्ड फील करेंगे। डेफिनेटली आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होगी, जो इश्यूज होंगे, वो सब हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। इमोशनल सेंसिटिविटी यहाँ पर मुझे दिख रही है, ये कहती है कि आप बहुत जल्दी बहुत इमोशनल हो जाते हैं, तो थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करें, अपने इमोशंस पे कंट्रोल करें, अपने इनर चाइल्ड को हील करें। जब हम खुश रहते हैं, अपने आप से प्यार करते हैं और अपने इमोशंस को बैलेंस्ड रखते हैं तो हमारा ऑरा बहुत स्ट्रांग हो जाता है और हम सक्सेस को मैनिफेस्ट करने लगते हैं। सक्सेस हमारे रास्ते में आती ही रहती है, हैप्पीनेस आती रहती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा अपने इमोशंस को भी आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। तो पाइल टू ये थे आपके लिए मैसेजेस। आपको मैसेजेस कैसे लगे प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, लाइक शेयर ज़रूर करें इस वीडियो को
एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं नीचे, और आप उस पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं. थैंक यू सो मच.